नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल में स्थित करण लेक का शीघ्र ही कायाकल्प किया जाएगा। मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त आने वाले पर्यटकों के लिए और भी सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बीते 20 दिसंबर को उपायुक्त निशांत कुमार यादव, करनाल स्मार्ट सिटी के सीईओ के साथ अन्य कई अधिकारियों का मंथन हुआ। मंथन के बाद करनाल की करण लेक को और कैसे स्मार्ट बनाना है, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। करण लेक के चारों ओर के एरिया को साफ सुथरा किया जाएगा ताकि दूर से ही करण लेक का दृश्य आने जाने वाले लोगों को नजर आ सके। इसके अलावा लेक के चारों तरफ लैंडमार्क भी लगाए जाएंगे। करण लेक में साल भर पानी रहे और लोग वोटिंग का आनंद ले सके, इसके लिए विशेष तौर पर फव्वारे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ एक टापू का भी निर्माण होगा। यहां पर महाभारत से संबंधित प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। यह जानकारी समाचार एक्सप्रेस को फोन के माध्यम से करण लेक के मैनेजर अनिल बजाज ने दी। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि करण लेक पर जो बैंकेट हॉल बनाया जा रहा है वह आगामी 6 माह में तैयार हो जाएगा। करीब 5 एकड़ में बन रहे इस हॉल में 700 लोगों की एक साथ बैठने की क्षमता होगी। साथ ही साथ विशेष तौर पर पार्किंग के लिए भी जगह रखी गई है। इसके अतिरिक्त जो लेक के साथ ओएसिस कॉम्प्लेक्स है वह सड़क से काफी नीचे हो गया है। इसके लिए फिर से निर्माण के साथ ही लगती 10 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। यहां पर पर्यटकों के लिए कई सुविधाओं को रखा जाएगा। आपको बता दें कि करनाल की करण लेक दिल्ली और चंडीगढ़ के मध्य में आती है। दूर क्षेत्रों का सफर करने वाले पर्यटक यहां पर आकर अपनी थकान उतारते हैं और यहां से वातावरण का आनंद लेते हैं। पानी की शीतल लहरों से उठती ठंडक उनको भी ठंडक प्रदान करती है। इस लेक पर बॉलीवुड जगत से लेकर कई तरह के सेलिब्रिटियों का आना जाना रहता है। इस लेक पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अब लेक का नवीनीकरण कब और कैसे होगा, इसके लिए आने वाले दिनों में अधिकारियों की फिर से बैठक होने की चर्चा है। बैठक के बाद ही अन्य कई बातें निकलकर सामने आएंगी जो कि लेक को सौंदर्य प्रदान करेंगी। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदन और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल की करण लेक। करनाल की करण लेक जो कि करनाल की स्मार्ट सिटी को दर्शाती है। यह बहुत ही पुरानी और बहुत ही विशालकाय झील है। यहां पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं। आने जाने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ पर काफ़ी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम भी सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा किया गया है। अब मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस करण लेक का अब काया पलट होने वाला है, इसका नवीनीकरण होने वाला है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और आएंगी और उनका आने का लाभ पर्यटकों को क्या मिलेगा, इन सब बातों को मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने एक बैंकट हॉल तैयार हो रहा है। यह भी करण लेक का अपना बैंकट हॉल है। आगामी 6 माह के अंदर अंदर यह जनता के लिए, जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और इससे बड़ी, इसमें सबसे एक बड़ी खूबी है कि इसके अंदर जो है करीब 700 लोगों के आने जाने की कैपेसिटी है। और इसके लिए अलग से यहाँ पर पार्किंग, बड़ी संख्या में पार्किंग है। पूरे 5 एकड़ के अंदर इस बैंकट हॉल का निर्माण किया जा रहा है। अब मैं चलता हूँ करण लेक की तरफ और आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से यहाँ का नवीनीकरण होना है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जनता को उपलब्ध करवाई जाएंगी। मैं आपको बता दूँ कि इसके नवीनीकरण के लिए बीती 20 तारीख को स्मार्ट सिटी के, करनाल स्मार्ट सिटी के सीईओ उपायुक्त निशांत कुमार यादव तथा पर्यटन विभाग के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब काफ़ी समय लंबे तक उन्होंने इसके नवीनीकरण के लिए मंथन किया था। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि अभी तक फिलहाल यह तय नहीं हो पाया है कि इस सारे के सारे काम पर क्या क्या कितना खर्चा आएगा, क्या इसका बजट एलोकेट किया गया है, किसको टेंडर दिया गया है। इसके लिए एक मीटिंग अभी और होनी है, जो हमें यहाँ के विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है। अब आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है करण लेक का नज़ारा। यहाँ पर सबसे पहले लैंडमार्क लगाए जाएंगे सड़कों से, सड़क के चारों ओर यहाँ पर लैंडमार्क लगाए जाएंगे ताकि लोगों को आसानी से पता लग सके कि करण लेक इस तरफ है। इसके अलावा आप करण लेक देख सकते हैं, करण लेक के चारों तरफ वॉकिंग पाथ तो पहले ही है, लेकिन अब यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए साइकिल का ट्रैक भी बनाया जाएगा ताकि जो लोग यहाँ पर साइकिलिंग करना चाहते हैं वो साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साल भर पानी बना रहे, झील के अंदर साल भर पानी बना रहे, इसके लिए यहाँ पर 2 म्यूजिकल फाउंटेन लगाए जाएंगे तथा
लेक के बीचों बीच एक आइलैंड बनाया जाएगा जिसे हम टापू भी कह सकते हैं। उस टापू पर गीता से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड और अन्य कई ऐसी थीमों से रिलेटेड मूर्तियां और मोमेंट्स लगाए जाएंगे जिससे कि लोगों को हमारी जो पिछली संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि रेनोवेट किया जाएगा, हालांकि वो अभी टाइम पीरियड हमें नहीं पता लग पाया है, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसके लिए अभी दोबारा से अधिकारियों की मीटिंग होना तय हुई है। वो मीटिंग कब होगी इसका हम आपको शीघ्र ही बता देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन होंगे, आने जाने वालों के लिए कोई परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, लैंडमार्क लगाए जाएंगे और इसके अलावा एक और फूड कोर्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। एक ऑलरेडी है लेकिन इसके अलावा एक और बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय मौजूदा समय में भी एसी रूम्स, बैंकट हॉल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट ऑलरेडी हैं, लेकिन अब उन्हें और भी बताया जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो आएंगे, लोगों के मन में संशय था कि अगर सरकार यहाँ पर रेनोवेशन करती है तो कहीं इसका बोझ जनता के सिर पर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें विशेषज्ञ सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो भी रेट हैं यहाँ पर पहले से नॉमिनल रेट हैं, हर चीज़ के रेट नॉमिनल हैं, लेकिन अब जो नई रेट लिस्ट निर्धारित की जाएगी वह भी सरकार के निर्देश पर आधारित होगी, लेकिन जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से करण लेक का विहंगम दृश्य है। बड़ी अभी दोपहर का समय है, लेकिन इस समय यहाँ पर अभी इतने पर्यटक नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटक शाम होते ही भर जाते हैं। गर्मियों में तो खास तौर पर यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, और यहाँ पर विशेष तौर पर खाने पीने के सामान के लिए उच्च क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाता है, नॉमिनल रेट्स होते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से बोट तैयार खड़ी हैं पर्यटकों को झील की सैर करवाने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी पर्यटक कम हैं और दोपहर का समय, इसलिए पर्यटकों का आना भी कम हो जाता है। शाम होते होते यहाँ पर पर्यटक हो जाएंगे और आगे की जो भी स्थिति होगी, जिस तरह से हमें इसके बारे में मौजूदा जानकारी मिलती रहेगी किस समय और किस दिन सरकार की मीटिंग होनी है इसके नवीनीकरण को लेकर, और किसको टेंडर दिया जाना है, कितना बजट एलोकेट होना है, इसकी जानकारी हम सबसे पहले समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से हम जनता को देने का प्रयास करेंगे। मैं तरुण मदन, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। करण लेक दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच स्थित है, जो आने जाने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी आरामदेह साबित हो रही है। दूर दूर तक जाने वाले लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुकते हैं, यहाँ की सुंदरता को देखकर उनका भी मन खुशी से उछल जाता है और उनकी सारी के सारी थकान दूर हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि दूर दराज से आने वाली बसें भी यहाँ पर रुकती हैं ताकि पर्यटकों को थोड़े समय के लिए आराम मिल जाए। इसके नवीनीकरण के बारे में मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैं आपको बता दूं कि इसके सबसे पहले इसके जो आउटर एरिया है, इसके आउटर एरिया को बिल्कुल स्वच्छ और साफ कर दिया जाएगा ताकि यह दूर दूर से पर्यटकों को नजर आए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओएसिस जो है, यहाँ का जो ओएसिस है वो सड़क से बिल्कुल काफ़ी नीचे जा चुका है, उसका भी नवीनीकरण होना है। उसके साथ लगती 10 एकड़ ज़मीन को चिन्हित कर लिया गया है, वहाँ पर ओएसिस का नया फूड कोर्ट और नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। इसके बारे में फिलहाल अभी आने वाले दिनों में मीटिंगों का दौर चलता रहेगा, मंथन जारी रहेगा और जो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि इसका जो मोटिव है या जो इसका फुल प्रपोजल है वो कब और कैसे तैयार होगा, इसके नवीनीकरण में कितना समय लगेगा, इसके नवीनीकरण का काम किसे सौंपा जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में यहाँ पर जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितना आराम की चीज़ें और आराम का वातावरण, सुकून देने वाला वातावरण यहाँ पर है, वह काबिले तारीफ है। यहाँ पर हर तरफ चारों ही तरफ पानी और पानी के अलावा हरी हरी घास, यहाँ पर बैठते ही ठंडक का आसा होता है, शाम होते ही पानी से उठने वाली ठंडक लोगों के मन को शीतल कर देती है। इसके अलावा घास पर बैठे लोग भी हम काफ़ी सुकून ले रहे होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसका नवीनीकरण कैसे होना है, इसके लिए अभी फ़िलहाल मीटिंग चलनी है, आने वाले कुछ दिनों में मीटिंगों का दौर चलेगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कितना समय लगेगा इसके नवीनीकरण को लेकर। हालांकि नवीनीकरण के बाद इसका क्या हाल होगा या क्या कलप होना है वह मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि इसके अंदर यहाँ पर एक आइलैंड बनाया जाएगा लेक के अंदर, उसके अंदर वहाँ पर महाभारत से रिलेटेड और गीता से रिलेटेड मूर्तियों को लगाया जाएगा ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी उससे प्रेरित हो सकें। इसके अलावा साल भर यहाँ पर पानी रह जाए जिससे कि बोटिंग का आनंद पर्यटक लेते रहें, इसके लिए 2 फाउंटेन यहाँ पर लगाए जाएंगे। आउटर एरिया को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा ताकि दूर दूर से यहाँ पर लोगों को स्पष्ट नजर आए। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और करनाल की इस लेक को स्मार्ट बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन
अभी फिलहाल थोड़ा समय लगेगा, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम अपने दो दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं तरुण मदन, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.